सीधी सीधी गाड़ी बैक लेके जानी है, सीधी सीधी। आधे ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। अब उतर के दिखाता हूँ मैडम ने गलती क्या की है। अगर आप शीशों के हिसाब से देखना चाहते हैं तो मैं पहले शीशे के हिसाब से बताता हूँ। मैं दो तरीकों से आपको गाड़ी बैक करनी बताऊंगा, आपने जजमेंट करनी है भी आपको कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर लगा, और मैं भी आपको बताऊंगा भी मेरे को कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैडम को मैं गाड़ी बैक करना सिखाऊंगा, गाड़ी बैक कैसे करते हैं, ठीक है। और ये भी आज आपको पता लगेगा भी नए बंदों को गाड़ी बैक करने में क्या क्या दिक्कत आती है और उन दिक्कतों को कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो ये न्यू ड्राइवर है, इनकी पकड़ क्लच ब्रेक और रेस के ऊपर अच्छी तरह से हो गई है, क्लच ब्रेक और रेस अच्छी तरह से ये दबा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने ये सीखना है भी क्लच ब्रेक और रेस को कंट्रोल कैसे करें, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग वाली वीडियोस कैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं, ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं क्लच और ब्रेक को, ठीक है। उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो बन चुकी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, मेरे पास नया ड्राइवर है जिसको गाड़ी बैक करनी नहीं आती और काफ़ी सारी ये गलतियां करते हैं गाड़ी बैक करने में, तो देखते हैं ये क्या क्या गलती करते हैं और उस गलती को सुधारना कैसे है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए गाड़ी में चलते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, मैडम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, ठीक है। अब मैडम की सेटिंग भी मैंने शीशों की सेटिंग करवा दी है, इन्होंने ये वाले शीशे की सेटिंग कर ली है, ये वाले सेंटर वाले की भी सेटिंग कर ली है, अभी इनको पीछे पूरा दिखाई दे रहा है और उधर भी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब हम गाड़ी बैक करने जाते हैं ना, जब हम गाड़ी बैक करते हैं तो जो स्टेयरिंग व्हील की मूवमेंट होती है बिल्कुल लाइट लाइट करनी होती है, बिल्कुल हल्की करनी होती है। नए यूज़र क्या करते हैं, हैंडल को थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ देते हैं, वो सोचते हैं भी गाड़ी मेरी मुड़ी नहीं है तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा मोड़ दूँ। वो ज़्यादा मोड़ने के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा हैंडल जब घुमाते हैं तो गाड़ी ज़्यादा पीछे से मुड़ जाती है, ठीक है। आपने बिल्कुल लाइट लाइट हैंडल मोड़ना है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस जब आपने बैक करनी, गाड़ी बैक करने की करनी है, आप सीधी सीधी बैक करें, कहने का मतलब आप सीधा रोड ले लें, कोई खाली रोड हो, खाली जगह हो, कोई ग्राउंड हो या कुछ हो, आपने पहले बिल्कुल सीधे सीधे बैक करनी सीखनी है, पीछे लेके जानी है सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लेके जानी है पीछे, ठीक है। आपने मोड़ने की प्रैक्टिस पहले नहीं करनी, आपने पहले सीधी बैक करने की प्रैक्टिस करनी है। क्लच और ब्रेक की आपने सेटिंग अच्छी तरह से सीख लेनी है, अभी कितना का क्लच छोड़ना है, कितनी की रेस देनी है, ठीक है, इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो चलिए मैडम, आप बैक गियर डालिए। हाँ, न्यूट्रल पे गाड़ी है, थोड़ा सा रिवर्स गियर डालें, थोड़ा सा लेफ्ट राइट साइड करके क्लच अच्छी तरह से प्रेस करके डल गया। अब धीरे धीरे करके गाड़ी बैक करो, हल्का सा क्लच छोड़ो, ब्रेक के ऊपर भी पैर रखना अपना, सीधी सीधी गाड़ी बैक लेके जानी है, ठीक है, सीधी सीधी गाड़ी बैक लेके जानी है। चलो चलो चलो, बस बस चलो चलो, सीधी सीधी लेके जानी है बैक अपने, सीधी सीधी, ठीक है, सीधी सीधी गाड़ी बैक लेके जानी है, सीधी सीधी। आधे ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। अब उतर के दिखाता हूँ मैडम ने गलती क्या की है। ये देखो, मैडम को मैंने बोला था भी सीधी सीधी गाड़ी बैक लेके जानी है, और मैडम रोड से भटक गए, थोड़ा सा इन्होंने इधर मोड़ दिया। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको लगे भी गाड़ी आपकी थोड़ी गलत दिशा में चल गई है तो गाड़ी को आप आगे लें, फर्स्ट गियर डाल के, फर्स्ट गियर डालो, फर्स्ट गियर आगे लेके आओ, गाड़ी आगे लेके आओ। जब आपको लगे भी गाड़ी आपकी थोड़ी गलत दिशा में जा रही है तो फर्स्ट गियर लगा के आगे लेके आए गाड़ी, ठीक है, सीधी करो गाड़ी सीधी, ठीक है, ऐसे करके सीधी लेके जानी है। दोबारा से बैक करने की प्रैक्टिस करनी है, डालो बैक गियर, डालो बैक। अब देखते हैं मैडम बैक कर पाते कि नहीं। हाँ, लग गया बैक गियर, जब भी बैक गियर लगता है गाड़ी की लाइटें जल जाती हैं, ठीक है, सीधी सीधी लेके आनी, सीधी सीधी, हैंडल सीधा करो, हैंडल सीधा करो, ब्रेक लगाओ, ब्रेक। आपका हैंडल देखो उधर को मुड़ा हुआ है, ये देखो आपका हैंडल उधर को मुड़ा हुआ है, गाड़ी आपकी उस तरफ जा रही है, ठीक है, जिस तरफ हैंडल मोड़ोगे गाड़ी उस तरफ चली जाएगी, आपकी गाड़ी उस तरफ झाड़ियों के अंदर जा रही है। तो पहले गाड़ी पहले हैंडल सीधा पकड़ना सीखो, ठीक है, हैंडल सीधा पकड़ोगे तभी गाड़ी सीधी जाएगी ना, आपने पहले ही हैंडल ऐसे टेढ़ा पकड़ा हुआ है, सीधा हैंडल पकड़ना है, ठीक है, सीधा हैंडल पकड़ोगे तभी गाड़ी पीछे सीधी जाएगी, ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा गाड़ी बैक करने का सही तरीका क्या है, ठीक है। गाड़ी
कौन सही तरह से बैक कर सकते हैं लोग, वही सही तरह से बैक कर सकते हैं जिनकी स्टेयरिंग व्हील के ऊपर पकड़ अच्छी है और क्लच और ब्रेक के ऊपर भी जिनका पैर अच्छी तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले गाड़ी बैक अपने जब भी करनी है पहले तो रास्ता देखना पीछे का, थोड़ा बहुत आइडिया लेना उतर के। मैं बताता हूँ क्या चीज़ देखनी होती है। ठीक है, गाड़ी में बैठने से पहले आपने पहले पीछे देखना है भी रास्ता बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, रोड बिल्कुल क्लियर है, कोई खड्डा तो नहीं है, कोई गटर तो नहीं खुला हुआ। ठीक है, या फिर रास्ता ऊंचा नीचा तो नहीं है, भी रोड ऊपर है जी, ये वाली राइट साइड वाली जगह जो है ज़्यादा डाउन तो नहीं है। ठीक है ना, उस हिसाब से आपने गाड़ी बैक करनी है। ठीक है, कई बार होता है हम लोग पहाड़ी इलाके के ऊपर जाते हैं ना तो रोड ऊपर होता है, ये वाली साइड जो होती है नीचे वाली जो लेफ़्ट साइड होती है काफ़ी डाउन होती है, या फिर नाले वगैरह होते हैं। ठीक है ना, आप उस हिसाब से आपने गाड़ी बैक करनी है, रोड के रोड से ऊपर नहीं आपने गाड़ी उतारनी। अगर आपने कहीं साइड बाइक बैक करके पीछे करके बैक करके लगानी है ना तो ध्यान से देखना है पहले, कोई नाला नूला तो नहीं है, नाले में मैंने फंसानी नहीं है अपनी गाड़ी। ठीक है, तो चलो मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ। ठीक है, सबसे पहले शीशे सेट कर लेने अपने। ठीक है, ये वो वाला शीशा भी मैंने सेट कर लिया है। ठीक है, मेरे को पूरा व्यू दिखा रहा है, मेरे को गाड़ी की अपनी बॉडी भी नज़र आ रही है। ठीक है, और इधर से भी मेरे को गाड़ी का टायर वगैरह भी हल्का सा नज़र आ रहा है और पूरा व्यू नज़र आ रहा है। पहले आपकी गाड़ी की बॉडी भी हल्की सी नज़र आनी चाहिए आपको और पीछे का पूरा व्यू नज़र आना चाहिए, और यहाँ से भी आपको पीछे का पूरा व्यू नज़र आना चाहिए। ठीक है, और गाड़ी मेरी स्टार्ट ही है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बैक गियर डालूँगा। बैक गियर कैसे डलता है, ज़्यादातर गाड़ियों का ऐसे ही डलता है, थोड़ा सा राइट करके हल्का सा पीछे करेंगे, बैक गियर आपका डल गया। ठीक है, बैक गियर डालने के बाद क्या करना होता है, जो अगर आप शीशों के हिसाब से देखना चाहते हैं तो मैं पहले शीशे के हिसाब से बताता हूँ। मैं दो तरीक़ों से आपको गाड़ी बैक करनी बताऊँगा, आपने जजमेंट करनी है भी आपको कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर लगा, और मैं भी आपको बताऊँगा भी मेरे को कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़्यादातर जैसे लोग बताते हैं अभी शीशों में देख के गाड़ी बैक करनी है, तो मैं पहले वैसे करूँगा। ब्रेक के ऊपर से मैंने पैर हटा लिया। ठीक है, हल्का सा क्लच छोड़ रहा हूँ, हल्का सा धीरे धीरे करके क्लच छोड़ रहा हूँ। हाँ, ये देखो गाड़ी मेरी चल गई तो मैं क्लच थोड़ा दबा लिया। ठीक है, जब गाड़ी उठने लग जाए ना तो धीरे से क्लच उसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर लें। ठीक है, और मैं शीशों के बीच में से देख रहा हूँ, कभी उधर देख रहा हूँ, कभी उधर देख रहा हूँ, कभी इधर देख रहा हूँ, और इधर भी देख रहा हूँ। ठीक है, मेरे को लग रहा है अभी रोड मेरा बिल्कुल खाली है तो मैं ज़्यादातर इसी शीशे के अंदर देख रहा हूँ। ठीक है, सीधी सीधी गाड़ी बैक करनी है, हैंडल की जो मूवमेंट है ना आपने ज़्यादा नहीं करनी। अगर मैं ज़्यादा कर दूंगा, ये देखो मेरी गाड़ी एक साइड से जा रही है, रोड पीछे से हट गया दिखना। ठीक है, तो आपने ज़्यादा हैंडल की मूवमेंट नहीं करनी, हैंडल की मूवमेंट बिल्कुल लाइट लाइट करनी है, इतनी इतनी हल्की हल्की। ठीक है, अब मैं गाड़ी थोड़ी सीधी करूँगा, रोड के ऊपर लेके आऊँगा। ठीक है, ये सामने से भी देख सकते हैं आप। ठीक है, रोड के देखो सामने से भी पता लग जाता है। ये देखो मैं ब्रेक लगाता हूँ, जब आप गाड़ी बैक करते होते हैं ना आपको सामने से अंदाज़ा भी लग जाता है भी मेरी गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। जैसे देखो मैं इस तरफ हैंडल मोड़ूंगा, अपनी जिस तरफ हैंडल मोड़ना है गाड़ी आपकी पीछे से उस तरफ को ही जाएगी। जैसे मैं लेफ्ट टर्न को हैंडल ऐसे पूरा मोड़ दिया, ये देखो हैंडल मैंने पूरा मोड़ दिया, तो मेरी गाड़ी क्लच छोड़ूंगा धीरे धीरे, मेरी गाड़ी इस तरफ को जाएगी, ये देखो इस तरफ को जाएगी, और सामने से गाड़ी इस तरफ को चल जाएगी, पीछे से गाड़ी मेरी लेफ्ट साइड को जा रही है। ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड को हैंडल मोड़ा तो लेफ्ट साइड को गाड़ी मेरी पीछे से जा रही है, और राइट साइड से सामने से इधर जाएगी राइट साइड होने जा रही है, तो पीछे मेरे रोड बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से। ठीक है, तो क्या करना है, जब आपको लगे भी गाड़ी आप बैक गलत कर रहे हो तो आपने फर्स्ट गियर डालना है थोड़ा सा आगे करके, फर्स्ट गियर डाल दिया थोड़ा सा लेफ्ट करके आगे, फर्स्ट गियर डाल दिया और गाड़ी सीधी करनी है, सीधा हैंडल करना है। ठीक है, हैंडल सीधा करके फिर ब्रेक लगानी है, क्लच दबा हुआ है आपका, पूरा क्लच दबा के आपने बैक गियर डालना है, थोड़ा सा पीछे खींच के न्यूट्रल में करके बैक गियर डाल दिया। ठीक है, बैक गियर डालने के बाद क्या करना, हल्का सा क्लच छोड़ना, फिर दोबारा धीरे धीरे करके, जब आप क्लच छोड़ेंगे ना गाड़ी आपकी चलने लग जाएगी, तो आपने हल्का सा प्रेस कर लेना क्लच, ताजो आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो जाए। ठीक है, दोबारा प्रेस करना है, बीच बीच में क्लच छोड़ना है, बीच बीच में प्रेस करना है, स्पीड क्लच के थ्रू ही आपने स्लो करनी है।
अगर तो गाड़ी आपकी ऊंचाई की है, ऊंचाई के ऊपर है, चढ़ाई के ऊपर है, पीछे चढ़ाई है आपके, बैक साइड पे आपके चढ़ाई है, तो आपने रेस का यूज़ भी करना है, ठीक है। आप रेस दबाओगे तभी आपकी गाड़ी उठेगी, नहीं तो नहीं उठेगी, ठीक है। अब मैं रेस दबा के भी आपको बता रहा हूँ कितनी रेस देनी है, हल्की हल्की रेस दे रहा हूँ मैं अभी। अगर चढ़ाई ज़्यादा है तो आप ज़्यादा रेस दे सकते हो, ठीक है। अब मेरी गाड़ी बिल्कुल सीधी सीधी बैक हो रही है, ठीक है। अब लास्ट पे ना टी एंड है, तो टी एंड पे को ऊपर कैसे गाड़ी मोड़नी है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी मैं शीशों के थ्रू देख रहा हूँ, कभी इधर शीशे में देख रहा हूँ, कभी उधर देख रहा हूँ। ज़्यादातर आपने इस शीशे में देखना है जब आपने स्ट्रेट बिल्कुल गाड़ी बैक करनी है। तो मेरी गाड़ी बिल्कुल अभी सीधी बैक हो रही है, स्ट्रेट बैक हो रही है, तो मैं इसी शीशे के अंदर देख रहा हूँ, ठीक है। ये वाले शीशे के अंदर देख के ही गाड़ी बैक कर रहा हूँ। आपने हर तीनों शीशों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके देखना है, ठीक है। अब पीछे मोड़ आने वाला है, टी एंड आने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो करूँगा, ठीक है। गाड़ी की स्पीड थोड़ी, अब मेरे को यहाँ से रोड नज़र आ रहा है पीछे, ठीक है, मेरे को पूरा रोड नज़र आ रहा है अभी, हाँ पीछे टी एंड वाला रोड है। तो मैं क्या करूँगा, अभी अपना सिर इधर घुमाऊँगा, पहले पीछे देखूँगा इधर इस तरफ, ये शीशों के अंदर तो देख लिया, पर ये शीशों के थ्रू भी देखना है, थोड़ा सा रोड देखना है पीछे से, कोई ट्रैफिक उधर से कोई आ तो नहीं रहा, ठीक है। फिर इधर से भी देखूँगा, यहाँ से भी मेरे को पूरा व्यू दिख रहा है, देखूँगा अभी कोई ट्रैफिक आ तो नहीं रहा, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे करके मैं शीशों में देखते हल्की सी रेस दी मैंने, क्लच छोड़ा, और ब्रेक के ऊपर आपका पैर होना चाहिए क्योंकि पीछे मोड़ है ना, मोड़ काटना आपने। धीरे धीरे करके गाड़ी बैक कर रहा हूँ मैं। अब देख लो यहाँ पे खंभा आ गया, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, देखो आधी गाड़ी मेरी पीछे चली गई है, आधी गाड़ी मेरी पीछे चल गई है, पीछे चौराहा है, पीछे चौक है, मतलब कि रोड मोड़ है उधर, देखो उधर से भी मेरे को रोड यहाँ से दिखाई दे रहा है। जब आपको ऐसे रोड दिखाई देने लग जाए, ठीक है, इधर से भी मेरे को रोड दिखाई दे रहा है, ये देखो रोड दिखाई देने लग जाए, तो अब आपने धीरे धीरे करके लेफ़्ट साइड की तरफ, जैसे मैंने लेफ़्ट साइड को जाना है तो मैं लेफ़्ट साइड की तरफ हैंडल मोड़ूंगा, ठीक है। मैंने इधर से लेफ़्ट जाना है, गाड़ी को लेफ़्ट मोड़ना है, तो मैं लेफ़्ट धीरे धीरे करके हैंडल मोड़ना शुरू कर दूंगा। हल्का सा मैं रेस दे रहा हूँ, हल्का सा रेस देने के बाद फिर मैंने ब्रेक के ऊपर आ गया, ठीक है। ये देखो गाड़ी मेरी मुड़ रही है आसानी से, वो देखो सामने से रोड देख लो, धीरे धीरे करके हल्की सी रेस दे रहे हो, पीछे भी देखना है, ठीक है। गाड़ी मेरी टी एंड वाले रोड के ऊपर आ गई, और यहाँ से मैंने मोड़ काटा, पीछे बैक कर ली गाड़ी, ठीक है। फिर यहाँ से आपने हैंडल सीधा करके आगे लेके जानी है गाड़ी, ये रखो फर्स्ट गेट डाल दिया मैंने, ठीक है। धीरे धीरे करके रेस दे रहा हूँ, अब मैं इस गली के अंदर, ये वाली गली के अंदर दोबारा गाड़ी घुसाऊँगा, ठीक है। कैसे घुसाऊँगा आपको बताता हूँ, मोड़ के गाड़ी कैसे घुसाऊँगा, ये देखो। अब आपने शीशे वाला तरीका देख लिया, ठीक है। अब मैं अपना दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ आपको, दूसरा जो मेरे को सही लगता है, जो मेरे को पूरी तसल्ली देता है। मैं जब गाड़ी बैक करता हूँ मेरे को पूरी तसल्ली होती है, मेरे को पीछे का व्यू अच्छी तरह से दिखाई देता है, ठीक है। जब हम ऐसे देखते हैं ना, ऐसे देखते हैं, कभी इधर देखना पड़ता है, कभी उधर देखना पड़ता है, कभी इधर देखना पड़ता है, तो इससे ज़्यादा बेटर तरीका क्या है गाड़ी बैक करने का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वाला हैंड आपने इस तरफ रखना है, ये वाली सीट के पीछे, ठीक है, और ऐसे पीछे बिल्कुल देखना है, ठीक है। अब देखो मैं ऐसे पूरी गर्दन मोड़ के देख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या देखने में मिल रहा है, मेरे को पूरा व्यू, पूरा मेरे को 3D व्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। 3D व्यू देखने को मिल रहा है मेरे को, सारे एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया भी दिख रहा है और उधर वाला एरिया भी दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे कर गाड़ी का बैक गेट डाल दिया मैंने। बैक गेट डालने के बाद क्या करना है आपने, ये वाला हैंड इस तरफ करना है और पूरा ऐसे गर्दन पीछे घुमानी है, ठीक है, पूरी गर्दन घुमानी है, और आपका एक जो हाथ है हैंडल के ऊपर होगा, ठीक है, एक हाथ से अपने हैंडल की मूवमेंट करनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी अच्छी तरह से बैक होगी। ये देखो पूरा व्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे को पता लग रहा है, साफ पता लग रहा है मोड़ है पीछे, मैं दोनों हाथों से हैंडल मोड़ रहा हूँ, ये देखो सिंगल हाथ से भी मुड़ जाता है, ये देखो धीरे धीरे करके मैंने हैंडल मोड़ लिया, अब मेरे को पूरा पता लग रहा है, ये देखो, और पीछे तक मैं लेके जाऊंगा ऐसे ही,
ठीक है। ये देखो कितना खुला और अच्छा व्यू दिखता है ऐसे पीछे गर्दन करके, ठीक है। अब मैंने खाली रेस दे रहा हूं, ठीक है, सीधा लेके जाऊंगा पीछे पीछे तक। और आपने हैंडल की सेटिंग भी करनी है, ये देखो हैंडल अपने सीधा पकड़ना है, ठीक है। हैंडल मैंने सीधा पकड़ा हुआ है, गाड़ी मेरी बैक हो रही है, ठीक है, गर्दन मेरी पीछे, हल्का सा आपका हैंडल के ऊपर हाथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपने धीरे धीरे करके मोड़ना है, मेरे को तो प्रैक्टिस हो चुकी है, मेरे को तो काफ़ी देर बैक करने की गाड़ी की प्रैक्टिस हो चुकी है। आपने जब भी गाड़ी मोड़नी है, बैक करनी है, तो धीरे धीरे करनी है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक के ऊपर मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा,